तो आते होंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कुछ खास। तब तक हम आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ के अपने किचन के सेटअप और कुछ रेसिपीज के साथ दिखाते हैं आपको क्या क्या हम आज बनाने वाले हैं, दोस्तों आने वाले हैं हमारे। और ये रही हमारी रोटी जो हम इसको खबज बोलते हैं, स्प्रिंग ओनियन है, साबुत ओनियन है इसको भी बोलते हैं, लगभग टमाटर हो गया, और ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च बोली, ये कोरिएंडर लीव, ये ग्रीन चिल्ली और ये ग्रीन पीसा मटर। ये रहा हमारा बर्तन। और देखो हम अभी मटर पनीर बनाने वाले हैं, तो दिखाते हैं हम आपको अपना मटर पनीर आगे के लिए। तब तक बने रहे हमारे वीडियो में। पनीर हमारे फ्रिज में है, अंदर रखा है फ्रिज में, ये हमारा हल्का सा सेटअप है। अभी हमारे नया किचन है, नया रूम है, तो जैसे ही अभी हम एडजस्ट होंगे उसके हिसाब से हम इसको सेटअप करेंगे थोड़ा। आइए, अमन भाई है हमारे, और इनको बेड रेस्ट के लिए बुलाया, इनके थोड़ा बैक पेन हो गया, डॉक्टर ने बोला इनको तो एक दो दिन बेड रेस्ट चाहिए इनको, तो ये थोड़ा एक्सरसाइज, शायद इनने कुछ टिप्स इनको किसी ने बताया हो या नेट में सर्च मारा, खुद करके आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। अमन भाई क्या आप? डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है, हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा आपके जो यूज़र हैं, फॉलोअर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी और बेस्ट है जो है एक्सरसाइज है। ये सभी कर सकते हैं जिनके लिए बैक पेन होता है, जिनके उससे काफी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले स्ट्रेट लेट जाना है, पीछे पिलो रखना है, अपने पिलो जरूर रखना है, और चिन जो है आपकी चिन को आप यूं करिए, नीचे की तरफ करिए, फिर ये पुश कर देना है आपको 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, फिर ये रिलीज कर देना है आपको। आप ये ट्राई करिए, इससे जो है आपका जो भी बैक पेन होगा वो सब खलास हो जाएगा। चलो, ये खासकर होटलर वाले बंदों पर ज्यादा होता है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि उनका काम जो होता है एकदम खड़ा खड़ा वाला काम होता है, और अगर कभी वो हार्ड वर्क करते हैं या कभी अचानक कुछ भी चीज़ उठाते हैं अच्छा झटके से, तो उनका बहुत, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है और मेरे दोस्त लोग भी बहुत हैं, उनके साथ भी ये चीज़ बहुत देखा है मैंने, तो कुछ टिप्स अगर उनको, ये हमारे वीडियो देख रहे होंगे, अगर कोई उनका, क्योंकि बैक पेन आपको पता ही होता है, जिसको होता है तो बहुत खतरनाक होता है, उसी को पता होता है उस चीज़ से क्या वो चीज़ होता है, तो शायद अगर किसी को हुआ होगा कि ये वाला टिप्स अगर वो अपनाए तो शायद कुछ। तो फाइनली हमारा मटर पनीर बनके रेडी हो चुका है, और हम लोग मटर पनीर से खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं मटर पनीर का, और आपको भी खाना है तो आप भी आ जाइएगा, और चलो देखते हैं कैसा बना आज का मटर पनीर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, आपने बहुत सारा प्यार दिया है वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, और भाई बोले बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं करा, मैं बोला थोड़ा शूट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी रेसिपीज दिखाऊँगा, क्योंकि ये रेसिपी उतना खास नहीं है, थोड़ा हटके है, ये अपना होममेड स्टाइल में बनाया था हमने, भाई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा करिए, ये भी होटलर हैं, ये भी होटल में शेफ हैं, तो दिखाते हैं कुछ नए वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।